नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम्स। इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत। भिकनी सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना लघु एवं सीमांत किसानों 6000 रुपए सालाना लाभ पर की दी जानकारी। सुल्तानपुर जिले की सभी बैंकों में बनेंगे आधार कार्ड। जिलाधिकारी LDM की बैठक कर दिए निर्देश। प्रधानमंत्री किसान पात्र योजना के तहत किसानों का होगा पंजीयन। साल में 3 किस्त में मिलेगा 6000 रुपए। 18.5 लाख के जिले किसानों को मिलेगा लाभ। सभी विभागीय अफसरों को किया गया योजना में शामिल। शासन से योजना धरातल पर उतारने के लिए योजना मॉनिटरिंग। फर्जीवाड़े पर दोषी किसानों से होगी डिस्कवरी। DM ने दी पत्रकार वार्ता की जानकारी। रिपोर्ट भानु मिश्रा स्टेट गेट के साथ अमन वर्मा की रिपोर्ट। सर, अभी आज जो कार्यक्रम किया गया है इसके तहत जो किसान 2 एकड़ से कम की श्रेणी में, 2 हेक्टेयर की श्रेणी में है और उनके लिए ये लाभ प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है? ये भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक 4 महीने के लिए जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में 2000 रुपये की धनराशि अंतरित की जाएगी। इसमें जो क्राइटेरिया है पात्रता का वो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, आयकर दाता ना हो, किसी सरकारी सेवा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को छोड़कर वो कार्य नहीं कर रहे हों। और ये घोषणा किसान के द्वारा ही की जानी है घोषणा पत्र के माध्यम से, फिर उसका सत्यापन हमारे लेखपाल के द्वारा किया जाता है और सही पाए जाने पर फिर उसको सर्वर पे अपलोड किया जाता है। सपोज करें सर, जैसे अभी हमने एक प्रश्न किया था 1-2-3 by 1 में, किसी किसान को मतलब जो पहले से जमीन कब्जा किए हैं वो मतलब बंजर जमीन सरकारी जमीन कब्जा किए थे उनको 1-2-3 by 1 का लाभ दिया गया है, तो क्या वह भी इस श्रेणी में आएंगे? देखिए, खतौनी में नाम होना चाहिए। हाँ, खतौनी में नाम, खतौनी में जिनका भी नाम है वो सभी पात्र किसान माने जाएंगे अगर उनके परिवार की, परिवार का यहाँ आशय है पति पत्नी और नाबालिग जी, परिवार की कुल जो जमीन है जी वो 2 हेक्टेयर से ठीक।